हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल. इट इज़ एक्सरसाइज 7A, चैप्टर नंबर 7, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 12. द क्वेश्चन इज 2m प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10. इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, हमें किस तरह से सॉल्व करना है इसे. द क्वेश्चन इज 2m प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10. यहाँ पर 2m प्लस 5 एज इट इज़ ले रहे हैं, 3 हमारे पास डिवाइड में है, साइड चेंज किया तो ये मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप में 2m प्लस 5 एज इट इज़, यहाँ 3 ब्रैकेट के बाहर है, हम इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे. 3 ज़ा 9m प्लस माइनस माइनस, 3 10 ज़ा 30. अब हम m वाले डिजिट्स वन साइड में और विदाउट m वन साइड कर रहे हैं. 2m प्लस 9 माइनस 9 में आ रहा है, माइनस 30 एज इट इज़, प्लस 5 माइनस 5 में चेंज करना है हमें. प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 2 7, बिग डिजिट का साइन. इसी तरह से माइनस माइनस, प्लस 30 प्लस 5 35, बिग डिजिट का साइन लिया. माइनस 7 हमारे पास m के साथ मल्टीप्लाई में है, हमें m की वैल्यू निकालनी है. माइनस 7 का साइड चेंज करेंगे, माइनस 7 साइड चेंज करके डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है. माइनस 35 और माइनस 7 को जब हम डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस डिवाइड होगा. 7 वन ज़ा 7, 7 फाइव ज़ा 35. इस तरह से हमें m की वैल्यू मिल रही है 5. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन क्लियर है. अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन.